Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tasty Cooking Table Setting. I hope आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. जी तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत सी चटपटी सी चाट है. चना चाट तो आप सबने ही खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको बनानी बताऊँगी पास्ता चना चाट. बहुत ही मज़ेदार ये बनती है और बहुत आप सबको बहुत पसंद आएगी. तो चलें, मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि पास्ता चना चाट बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पास्ता लिया था इस शेप में. आप किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं. इसको मैंने बॉईल कर लिया. इसके साथ ही साथ हम कटे हुए टमाटर इस्तेमाल करेंगे, कटा हुआ प्याज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, उबले हुए आलू, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर खटाई पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ. हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे. हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे. 3 to 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और इसके साथ ही साथ हम 7 to 8 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे. इसके अलावा हम इसके अंदर होममेड जो है वो इमली की मीठी चटनी तैयार करेंगे. ये मैंने घर पर ही बनाई थी और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर कर दी हुई है. इसकी वीडियो जो है वो मैंने शेयर कर दी हुई है. आप एक दफ़ा फिर रेसिपी देख सकते हैं. इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और जाहिर है कि पास्ता चना चाट है तो उबले हुए चने जो हैं वो तो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ही. ये मैंने कुछ उबले हुए चने ले लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया है. तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जितनी आपने पास्ता चना चाट बनानी है उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं. जो स्पाइसेस मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ उनकी क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो आप इन चाट मसाला और नमक को ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको लेस स्पाइसी चाहिए तो आप इनकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं. तो चलें दोस्तों, हम लोग पास्ता चना चाट जो है वो बनानी स्टार्ट करते हैं. और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ क्रश किए हुए पुदीने के पत्ते लिए हैं जिनको हम इसके अंदर डालेंगे. तो चलें दोस्तों, हम पास्ता चना चाट बनानी स्टार्ट करते हैं. जी तो ये उबले हुए चने लिए, इसके अंदर मैं ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी. साथ ही साथ मैं इसमें ये कटे हुए टमाटर ऐड करूंगी, कटा हुआ प्याज, चाट मसाला और खटाई पाउडर या अमचूर पाउडर ये भी इसमें चला जाएगा. नमक मैं कम डालूंगी इसमें, अगर मुझे ज़्यादा कम लगा तो फिर मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी. इसके साथ ही साथ उबले हुए कटे हुए आलू इसमें चले जाएंगे, इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे. साथ ही साथ ये पुदीने के थोड़े से क्रश किए हुए पत्ते मैं इसमें ऐड करूंगी, लेमन जूस. आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये खट्टी मीठी सी चाट बनती है. और इसके साथ ये ऑलिव ऑयल इसमें चला जाएगा. 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर इमली की चटनी ऐड करूँगी. और एट द एंड हम इसके अंदर ये बॉयल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और हमारी मज़ेदार सी पास्ता चना चाट जो है वो झटपट तैयार हो गई. जी तो ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी चना चाट जो है वो रेडी हो चुकी है. इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको पास्ता चना चाट कैसी लगी. उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी. इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे. इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी ये पास्ता चना चाट बनी है. इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी.